हाई अनवेलम टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर द डिस्क्रीट मैथ्स चैप्टर टेन टेन पॉइंट सिक्स शॉट प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे सेशन पे प्रीवियसली तमाम विडियोज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है डिस्क्रेट स्ट्रक्चर और डिस्क्रीट मैथ से रेलेटेड जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है फादोस एंड सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे इसके प्ले लिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिस्प्लिन की वीडियो मौजूद है विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियर बिथविन प्रजेंटेशन स्लाइड कोड ये तमाम चीजें मेरे ब्लॉग फादोस एंड सी एस ब्लॉक स्पॉट डॉट कॉम पर अवेलेबल है तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है तो चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर्वक जानकारी मिलती रहे उससे तरह कि नत नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें तमाम मटेरियल मेरे ब्लॉग फाद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर है तमाम चीज़ों को यहाँ से डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा लोगों को शेयर करें आरोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं चैप्टर टेन टेन पॉइंट सिक्स शॉटेज पाट प्रॉब्लम का है तो अगर डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शॉर्टेस्ट बात फाइंड करने के डिफरेंट अलगोर्थ हो सकते हैं लेकिन सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि अगर ग्राफ हमें एक सिंपल दिया जाता है इधर वो डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड हो उसमें वेटेड ग्राफ का क्या कॉन्सेप्ट होता है सो द ग्राफ दैट हैव अ नंबर असाइन अ ईच वर्टेक्स आर कॉल्ड अ वेटेड ग्राफ यानी किसी ग्राफ में uh, उसके एडजस्ट पर कोई नंबर असाइन कर दिया जाए तो उस असाइन नंबर को वेटेड ग्राफ कहा जा रहा होता है या वेटेड एडजस्ट कहा जा रहा होता है बात है जब डिफरेंट नंबर्स ऑफ नंबर एजेस कनेक्ट होंगे तो वो ग्राफ की सूरत अख्तियार कर लेंगे अगर आप इस सिंपल ग्राफ को देखें तो इस वक्त एस एफ से एन वाई से एक एजेस कनेक्ट है यहाँ कोई नंबर आ सकता है ठीक है तो ये इसको वेटेड ग्राफ बना लेगा इसी तरह सी एफ से आ, एस एफ से सी एच आई जाने के लिए यहाँ पर कोई नंबर आ सकता है अब की जो नंबर्स आएगा जो उसको वेटेड ग्राफ बनाएगा वो क्या क्या हो सकता है माइल्स हो सकता है फॉर एग्जांपल सोर्स टू डेस्टिनेशन डिस्टेंस क्या है तो हम उसे माइल्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो माइल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उसकी यूनिट्स रखी हुई हैं यहाँ पर कि कितने किलोमीटर डिस्टेंस है एस एफ से एन वाई जाने के लिए या बी ओ एस जाने के लिए इसी तरह से ये वेट की वैल्यूज फेयर्स हो सकते हैं किराया हो सकता है कि आप एस एफ से अगर एन वाई जाना चाहते हैं तो उसको इत, कितने आपको फेयर्स देने पड़ेंगे इसी तरह ये चीज टाइम फ्लाइट्स या फ्लाइट टाइम के लिए रिप्रेजेंट हो सकती है कि एक जगह से आप दूसरी जगह जाएंगे तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा तो ये डिफरेंट यूनिट्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ फॉर्म पर प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा अब अगर वेटेड ग्राफ देखें सो अ वेटेड ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स u टू v हैज अ वेट w u कॉमा v. ईच वेट इज अ रियल नंबर तो जो भी वेट वैल्यूज दी जाएगी वो एक रियल नंबर से बिलोंग करेगी वेट कैन रिप्रेजेंट डिस्टेंस कॉस्ट टाइम कैपेसिटी एक्सेट्रा तो ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि वेट की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होगी सो देंथ ऑफ द पाथ इज अ वेटेड ग्राफ इज द सम ऑफ द वेट ऑन द एजिस तो जो भी उसकी लेंथ होगी वो उसके वेट की वैल्यू का सम होगा ठीक है यानी अगर मैं सोर्स डेस्टिनेशन की बात करूं तो जितने भी आ रहे होंगे उन वेटेड का सम होगा अब जैसे हमने स्टार्टिंग पे जिक्र किया कि डिफरेंट हो सकते हैं जो क्या आपको किसी भी प्रॉब्लम पे शॉर्टेस्ट पाथ निकाल कर बता सकते हैं जैसे मैंने कुछ अलगोर्थम्स के नाम लिखे हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं द फर्स्ट वन इज अ डाइजेस्ट्रा द सेकेंड वन इज अ बेल बेलमैन फोर्ड एंड द थर्ड वन इज फोलाइट वाशर ओके द फर्स्ट वन इज़ अ डाइजेक्स्ट्रा अगर हम इसके अप्रोच को देखें तो डाइजेक्स्ट्रा एक ग्रीडी अप्रोच को यूज़ करता है ठीक है जबकि बैलफॉर्म बेलमेन फोर्ड और फ्लॉइड वॉशल डायनेमिक अप्रोच को इस्तेमाल करता है इसी तरह से आ, जब हम आ, ग्राफिकली यानी ग्राफ वाइज वेटेड वैल्यूज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ग्रीडी सिर्फ आप पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं उस पर ये वर्क कर रहा होता है ये नेगेटिव पे वर्क नहीं कर पाता यानी अगर हमें वेट वैल्यूज नेगेटिव होती है तो वहाँ पर ये अप्रोप्रिएट मैनर पर काम नहीं कर पाता जबकि बेलमेट फोर्ड एंड फ्रॉइड वॉर्शल जो है वो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव पे भी काम कर लेते हैं ठीक है अब बेलमन फोर्ड को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं डाजस्ट्रा के एन स्ट्रीट पर तो जब आ, सर्कल या फिर सर्किट डिज़ाइन होता है आ, ग्राफ के दरम्यान नेगेटिव वैल्यू का नेगेटिव वैल्यू का जब सर्किट डिज़ाइन होता है जब हम बेस्ट रूटेड पाथ या बेस्ट uh, रूट uh, निकाल रहे होते हैं प्रॉब्लम में तो जब नेगेटिव सर्कल बनता है तो बेलम फोर्ड उस पर uh, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं दे रहा होता है। तो उस वजह से हम मूव होते हैं फ्लॉयड वार्शल की तरफ तो ये कुछ बेसिक फ़र्क थे डाइजस्ट्रा बैलमन फोर्ड और फ्लॉइड वार्शल में लेकिन क्योंकि हम डेटा uh, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे तो हम इतने डेप्थ पे इनके नहीं जाएंगे रोजन की बुक ने डाइजेस्ट्रा uh, को uh, जो है यूज किया है टेन पॉइंट सिक्स के अंदर तो लिहाजा हम डाइजेक्स्ट्रा ऊपर ही फोकस करेंगे सो द डायजेस्ट्रा यूज अ ग्रीडी अप्रोच दैट इज यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू वर्टसेस टू वर्टसिज के दरमियान जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वो फाइंड करने के लिए ग्रेडी अप्रोच के जरिए से डायजेस्ट्रा अलगौथम इस्तेमाल किया जाता है सो द डायजेस्ट्रा अलगौरम इज यूज टू दूस इन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ ई नोट इज गिवन अ टेम्प्रोरी लेबल डिनोटिंग द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्राम द स्टार्ट नोट सोफा यानी हर नोट जो है वो एक टेम्प्रेरी लेबल्ड को रिप्रेजेंट करेगा कि इस नोट से हम स्टार्ट करके आगे की तरफ जा रहे हैं दिस लेबल इज रिप्लेसड इफ एन अदर शॉर्ट रूट इज फाउंड और उस लेबल को हम रिप्लेस कर देंगे अगर हमें कोई दूसरा शॉर्ट रूट जो है वो मिल जाए वस इट इज अर्टेन दैट नो अदर शॉर्ट पाथ कैन भी फाउंड द टेम्प्रेरीबल बिकम अ परमानेंट लेबल यानी अगर कोई फर्दर नहीं मिलता हमें तो जो इनिशियली जिसको हमने टेम्प्रेरी कहा था वही परमानेंट लेबल्ड हो जाएगा इवेंशियली ऑल द नोट है परमानेंट लेबल्स एट द पॉइंट द शॉर्ट पाथ इज फाउंड बाय री ट्रैकिंग द पाथ बैकवर्ड यानी अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाता है तो हम बैक ट्रैकिंग करके भी उस पाथ को वेरीफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम समझते हैं चीज़ें हमें अंडरस्टैंड हो जाएंगी डाइजेस्ट्रा सॉल्व किस तरह से किया जाता है देखिए सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम की बात करते हैं इस वक्त ये जो ग्राफ है ये एक प्रॉब्लम वाइज है हम इस ग्राफ को अगर बगौर देखें तो ये एक आ, ऐसा ग्राफ है जो नेटवर्क्स के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है हमें इस चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होना कि जो एजेस हैं वो इस तरह से कर्व से क्यों हैं इस तो एजेस किसी भी तरह की हो सकती हैं वो यूं बनाई जा रही हूँ यूं बनाई जा रही हूँ यूं बनाई जा रही हूँ सबकी डेफिनेशन सेम होती है अब ये जो यू वी एक्स वाई और जेड है हम इसे नोट्स यहाँ पर कह रहे होंगे और नेटवर्क की लैंग्वेज में कहें तो ये राउटर्स हो सकते हैं या स्विच हो सकते हैं ठीक है अब हमें शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल वे निकालना है को करते वे, और हम अपने इस से कोई ले सकते हैं। तो मैंने और तमाम ऐसा एक रूट निकालना है अप्रोच से, जो तमाम वर्टिसेस को विजिट करें ठीक है हर वर्टिसेस पर विजिट करे और वंस ही विजिट करना चाहिए एक से ज्यादा दफा ना हो क्योंकि यही शॉर्टेस्ट पाथ का जो है बेसिक डेफिनेशन होती है अच्छा जब हम इसे सॉल्व करने लगेंगे तो इस तरह से हमें एक टेबल बनाना होगा ये कह देंगे सबसे पहले स्टेप लिखा दैट इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू ऑनवर्ड ठीक है आप वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि नंबर इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा होता है कंप्यूटर में तो हमने जीरो से लिखा है उसके बाद है नोट्स नोट का मतलब ये है कि जब नोट आप पहला इस्तेमाल करेंगे उसका नाम और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है वो रिलैक्सेशन का होता है या रिलैक्स का होता है जिसको हमने यहाँ पर टेम्प्रेरी लेबल का नाम दिया हुआ है इस चीज को अभी हम टेबल समझेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी उसके बाद यू से मैं कहा जाना चाहता हूँ इस रूट से मैं कहा जाना चाहता हूं मैं यू से वी जाना चाहता हूँ वी से डब्ल्यू जाना चाहता हूं नोट्स uh, को मैं विजिट करना चाहता हूँ तो यही वजह है कि मैंने यहाँ पर लिख दिया डी डब्ल्यू डी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड ठीक है स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमने यू से स्टार्ट किया तो अगर मैं यू से स्टार्ट करूं तो यू से कितने पॉसिबल वर्टिसेस कनेक्टेड है x कनेक्टेड है w है और u है और इन तीनों के वेटेड वैल्यू मौजूद है क्योंकि डायरजेस्ट्रा ग्रीडी अप्रोच को इस्तेमाल करता है तो वो शॉर्टेस्ट पे कम वैल्यूज को पहले देखेगा इधर उसके बाद वैल्यूज बड़ी हो या ना हो वो उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करता तो अगर मैं देखूं यहाँ पर फाइव थ्री और सेवन इनमें से लोएस्ट वैल्यू है क्या है थ्री तो मैं क्या यूज़ करूंगा थ्री लेकिन अभी हमें पहले ये देखना है कि कनेक्टेड किन किन से तो एक्स पे जाना जा, वी में जाना चाहता हूँ वी की वैल्यू क्या है सेवन देखो मैंने सेवन लिख दिया यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ठीक है लिखना तो हमें सबसे पहले सारे वैल्यूज है तो हमने यहां पर सेवन लिख दिया ठीक है उसके बाद मैं कहा जा सकता हूँ डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है थ्री uh, वो लिख दिया ठीक है थ्री कॉमा मैं यू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यू को यूज करते हुए डब्ल्यू की तरफ जा रहा हूँ उसके बाद मैं कहाँ जा सकता हूँ एक्स फाइव को फाइव के साथ मैं एक्स जा रहा हूँ यू को यूज करते हुए और जिन जिन पर मैं डायरेक्टली नहीं पहुँच पा रहा हूँ इनिशियली वैल्यू मैंने उसकी इन्फिनेटी लिख दी क्योंकि वह नहीं जाते थे कि वहां पर जाने की वैल्यूज जो है वेटिट क्या होगी पहला स्टेप ही हो गया अब हमें देखना है इस फर्स्ट रॉ में सबसे मिनिमम वैल्यूज कौन सी है मिनिमम है थ्री तो इस थ्री की जो वर्टेक्स वैल्यू है क्योंकि थ्री ग्रीडी अप्रोच से वो है डब्ल्यू तो डब्ल्यू यहां पर हो जाएगा रिलैक्स रिलैक्स होने का मतलब है कि ये परमानेंट पार्ट बन जाएगा तो यू के साथ अब क्या आ गया W तो इसका मतलब ये हुआ कि U और W अब रिलैक्स हो चुके हैं यू और W को यूज करते हुए मैं कहीं पे भी जा सकता हूं ठीक है अब जो चीज रिलैक्स हुई है उस तमाम वैल्यूज को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा उसको देखो मैंने यहां पर ब्लैंक छोड़ा हुआ इसका मतलब हर लाइन पे थ्री यू थ्री यू ये लिखा जाएगा ठीक है अब जब मैं यू डब्ल्यू को इस्तेमाल कर रहा हूं तो यू डब्ल्यू से मैं देखूंगा क्या मैं यू डब्ल्यू को इस्तेमाल करके वी एक्स वाई जा सकता हूं ठीक है लेकिन ये भी देखूंगा कि जो प्रीवियसली स्टेप पर विजिटेड वेट वैल्यूज थी क्या डब्ल्यू को यूज करते हुए उसकी वैल्यू शॉर्ट हो रही है कैसे देखो जब मैं यू से वाई जा रहा था तो सेवन था लेकिन अगर मैं U और W को यूज करते हुए V पे जा रहा हूँ ठीक है वो U से W गया थ्री और W से V गया तो वैल्यू मजीद थ्री मिली तो थ्री थ्री क्या हो गया सिक्स लेकिन पहले क्या था सेवन तो अब ये चीज़ यहां पर क्या हो गई रिलैक्स हो गई ठीक है सिक्स के साथ अच्छा उसके बाद फाइव डब्ल्यू की वैल्यू है ये रहा फाइव डब्ल्यू की वैल्यू अब मजीद जो है आ, एक्स की वैल्यू सॉरी तो एक्स की वैल्यूज़ को अगर मैं यू और डब्ल्यू को यूज़ करके जाऊंगा तो थ्री एंड फोर सेवन हो जाएंगे तो ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाले को तो मैं लूंगा नहीं मैं कम वाली को लूंगा तो यही वजह है कि मैंने यहाँ पर वही वैल्यू उठा थी अब क्या मैं यू और डब्ल्यू के जरिए से वाई पहुँच सकता हूँ जी बिल्कुल पहुँच सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी थ्री एंड एट तो थ्री एड क्या हो गया अलेवन वो लिख दिया क्या मैं यू और डब्ल्यू के जरिए से जेड जा सकता हूँ नहीं तो मैंने इन्फिनी लिख दिया ठीक है अब इस रॉ में देखें तो मिनिमम वैल्यूज कौन सी है सिक्स फाइव और अलेवन में से फाइव तो फाइव क्या हो गया रिलैक्स जब ये रिलैक्स हुआ तो ये यहां पर वर्ट इसके लाइन पर आ गया यू डब्ल्यू और एक्स इसका मतलब ये हुआ कि यू डब्ल्यू और एक्स इन तीनों को इस्तेमाल करके मैं नोट को रिविजिट भी कर सकता हूँ और आगे भी जा सकता हूँ ठीक है तो जो चीज़ रिलैक्स हुई उसे तो मैं इस तरह से लाइन बना देता हूँ ताकि हमें अंडरस्टैंड रहे कि हमें इससे दोबारा रिलैक्स uh, नहीं कर सकते क्योंकि यही शॉर्टेस्ट वैल्यूज बनी है अब अगर मैं uh, डब्ल्यू को वी को देखो क्योंकि हम वी को देखना चाह रहे हैं तो यू डब्ल्यू और एक्स की जरा से अगर मैं वाई को दोबारा विजिट करना चाहूँ तो जितने भी रूट बन रहे हैं वो उस वैल्यू से ज्यादा ही बन रहे हैं जो ऑलरेडी सिक्स मौजूद है कैसे देखो अगर मैं यू डब्ल्यू से नीचे वी आऊँ तो ये तो सिक्स है अगर मैं यू से यू जाऊँ तो भी सिक्स है और यू से एक्स जाऊँ एक्स से डब्ल्यू जाऊँ और यू जाऊँ तो भी वेट बढ़ेगा तो उसका मतलब है यही ऑप्टिमल बन रहा है तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर सिक्स लिख दिया ये दोनों तो रिलैक्स हैं तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा इसी तरह से अगर मैं वाई को देखना चाहूँ तो अगर मैं इस तरह से जाऊँ तो भी वेट बढ़ रहा है देखो फाइव प्लस सेवन रहा और ट्वेल्व तो मैं अगर यू से डब्ल्यू एक्स जाऊ और एक्स से यू जाऊँ तो भी वेट बढ़ रही है वाली तो जो प्रीवियसली मौजूद है वही ऑप्टिमल कंसिडर करूंगा तो टेन लिख दिया अब जब हमें एक्स मिल गया है तो एक्स से मैं डायरेक्टली कहाँ पर जा पा रहा हूँ जेड तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यू जा सकता हूं यू से एक्स और एक्स से जेड क्योंकि ये तो रिलैक्स है ना यू और डब्ल्यू और एक्स तीनों रिलैक्स है तो मैं यू भी जा सकता हूँ यूं भी जा सकता हूं यू जाऊंगा तो वेट ज्यादा लग रहा है तो मैंने क्या किया यू से एक्स गया और एक्स से जेड चला गया तो ये हो गया नाइन और फाइव फोर्टीन फोर्टीन लिख दिया मैंने आप। अब इस रॉ ऑप्टिमल हो गई रिलैक्स uh, हो गई तो ये रिलैक्स लाइन पर आ गई तो ये लाइन भी हमारी सॉल्व हो गई तो रिलैक्स लाइन जो बनी है वो बनी है यू डब्ल्यू एक्स वी विच मीन शॉर्टेस्ट पाथ ठीक है बाई यूजिंग अ डाइजेक्स्ट्रा अप्रोच अब हमें देखना है कि यू डब्ल्यू एक्स वी विच मीन यू डब्ल्यू एक्स एन वी ये रिलैक्स पार्ट बन चुके हैं इस पूरे रिलैक्स पार्ट को यूज़ करते हुए मुझे वाई और जेड को देखना है क्या मैं वैल्यू चेंज कर पा रहा हूँ अगर इनिशियली वाई की वैल्यू देखें तो वाई की वैल्यू थी हमें एलेवन और अगर मैं कोई और अप्रोच इस्तेमाल करूँ तो क्या मैं वैल्यू को घटा पाऊंगा कैसे अगर मैं यूज करूँ अगर मैं यू से डब्ल्यू जाऊँ ठीक है देखें यू से डब्ल्यू गया थ्री W से V गया थ्री थ्री थी हो गया सिक्स और v, v से Y गया ये हो गया फोर तो कितने हो गए टेन पहले वैल्यूज क्या बन रही थी मुझे एट प्लस थ्री से एलेवन तो अब ये वैल्यू आ गई टेन तो मैं इसको लिख सकता हूं अब टेन मैंने चेंज करके टेन लिख दिया जबकि z को मैं मजीद मिनिमम नहीं कर पा रहा तो मैंने वैसे ही फोर्टीन लिख दिया अब इस ट्रॉ में मिनिमम क्या मिला मुझे टेन टेन को रिलैक्स किया लिख दिया अब अंडरस्टूड है कि ट्वेल्व यहां पर फोर्टीन तो एक ही बचा लेकिन जब ये चीज रिलैक्स हो चुकी है तो मुझे अब सिर्फ एक ही को चेक करना है z को क्या मैं z की वैल्यू को चेंज कर पा रहा हूँ जो कि पहले क्या थे फोर्टीन फोर्टीन कैसे हुई थी फाइव प्लस नाइन अगर आप यहां से देखो इस पॉइंट को मैं यूज करूँ थ्री थ्री और ये हो गया एक्स यू से डब्ल्यू गया थ्री डब्ल्यू से वी गया सिक्स सिक्स से वाई गया तो टेन और टेन से जेड गया तो ट्वेल्व यानी यहां पर यह वैल्यू हो गई ट्वेल्व और पहले क्या था फोर्टीन मैंने ट्वेल्व लिख दिया और यहां पर मजदूर कोई वैल्यूज नहीं है तो अब ये चीज़ रिलैक्स हो गई और इस तरह से हमें बेस्ट ये शॉर्टेस्ट रूट मिल गया यू डब्ल्यू एक्स वी वाई एंड जेड अंडरस्टैंड कि किस तरह से डाइजेस्ट्रा ग्रीडी अप्रोच को यूज करते हुए अपने अलगोर्थम को या अपने पाथ को शॉर्टेस्ट वे पर फाइंड करता है और उसके बेस्ट रूटेड रिलैक्स करने के बाद एक सीरीज पर ज्वाइन करता जाता है ठीक है दोबारा से अगर मैं रफली रिकॉल करूँ, हमने टेबल बनाई टेबल से बनाने के बाद इनिशियली रिज्यूम करेंगे कि इनिशियल कौन सा आपका स्टार्टिंग नोड होगा फिर वहां से जितने पॉसिबल रूट होंगे आप उसको डायरेक्टली वेरिएबल वाइज लिख लेंगे और उसके बाद जो कनेक्टेड नहीं हो रहे होंगे इन्फिनिटी देंगे फिर रॉ में जो सबसे कम वैल्यू होगी आप उसे सर्किल करेंगे विच में रिलैक्स करेंगे और अपने नोड में ऐड कर लेंगे फिर नोड में ऐड करने के बाद एग्जिस्टिंग को चेक करेंगे कि क्या वो लोअर में मिनिमाइज में मैनर पर रिलैक्स हो रहा है या नहीं और रिलैक्स हो रहा है तो ठीक है और उसके बाद वाले कोई रूट आपको मिल रहे हैं या नहीं फिर उसके बाद शॉर्टेस्ट वे देखेंगे और इसी तरह से ये स्टेप्स चलते जाएंगे और जब ये सारे रिलैक्स हो जाएंगे तो हमें एक तमाम possible notes के name मिल जाएंगे और वही हमारा शॉर्टेज पाथ होगा ठीक है uh, इस तरह के नोट हमारे पास मौजूद है सेम टेबल बनाई ठीक है नंबर ऑफ अर्टिस सेम है लेकिन एजिस की वेटेड और जो शेप है वो थोड़े से चेंज करके दिखाए गए अगर आप यू से स्टार्ट करें मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्पल हमने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं यू से पॉसिबल वे कौन कौन से एक्स जा रहा हूँ वी जा रहा हूँ और इसी तरह से डब्ल्यू जा रहा हूँ तो वी जा रहा था डब्ल्यू जा रहा था और एक्स जा रहा था जहाँ जहाँ जा रहा था वैल्यूज लिख ली और जहाँ नहीं जा रहा था इन्फिटी लिख दिया मिनिमम वैल्यूज इसमें अब कौन है वन है वन को रिलैक्स किया सीरीज में शामिल कर लिया यू एक्स तो उसका मतलब हुआ यू मिल गया मुझे और एक्स मिल गया अब इनके ज़रिए से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ इन सीरीज़ को यूज़ करते हुए मैं वाई पे भी जा सकता हूँ डब्ल्यू पे भी जा सकता हूँ और वी पे भी जा सकता हूँ वैल्यू सेम चेक की सिर्फ और सिर्फ W जो है हमारा रिलैक्स हो रहा है कैसे रिलैक्स हो रहा है अगर आप देखें पहले ये फाइव था अगर मैं U से X जाऊं वन और X से अगर डब्ल्यू जाऊँ तो थ्री तो थ्री प्लस वन फोर हो गया मैंने यहाँ पर फोर लिख दिया बाकी वैल्यूज वही है वी Y हमें एक और नोड मिला इनमें से मिनिमम वैल्यूज मुझे टू की मिली आ, टू को रिलैक्स किया यहाँ पर लिख दिया वेटेड वैल्यूज बाकी तमाम लिखी जो रिलैक्स हो गए वहां पर हम वैल्यूज मजीद नहीं लिखते हैं वो चीज लिख दी हमने इस स्टेप पर हमें टू मिनिमम वैल्यूज मिली वो रिलैक्स हुई वो यहां पर आ गई फिर उसके बाद मजीद अपडेट किया हमें मजीद रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है थ्री वैल्यूज यहां पे मिनिमम है इसको हमने रिलैक्स किया इसकी सीरीज यहां पर ऐड हो गई और लास्ट वन फोर वाई थी फोर वाई को भी अगर हम यू एक्स वाई वी डब्ल्यू से क्रॉस चेक करके भी देखें तो मजीद ऑप्टिमल वैल्यूज नहीं मिल रही मिनिमम तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ आ गया बाई यूजिंग अ डायजेक्स्ट्रा होप यू अंडरस्टैंड दो प्रॉब्लम हमने की है किसी भी तरह का अब हमें ग्राफ दिया जाएगा तो डाइजेक्स्ट्रा अप्रोच पे हम सेम लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकते हैं सो क्यू अंडरस्टैंड देर इज़ अ होम टास्क कि आप इस ग्राफ को सॉल्व करने की कोशिश करें बाई यूजिंग अ डाइजिकस्ट्रा ए को आप इनिशियली अपना इनिशियल वर्टेक्स लेंगे टेबल बनाएंगे उसमें बी सी डी ई और जेड कॉलम पे वैल्यूज़ ऐड होगी और उसके बाद आप उसको रिलैक्स करते जाएंगे और उसकी वैल्यूज़ को कॉलम में एड करते जाएंगे इसी तरह नेक्स्ट वन थे यूजिंग द डायजिकस्ट्रा आप इससे भी सोल्व करने की कोशिश करें कितने वर्टिक्स मौजूद हैं ए बी सी डी ई एफ जी और जेड ये टोटल नंबर ऑफ दी दर्टस मौजूद है टू फोर सिक्स एट टेबल बनेगी और इसी ब्याह पर सॉल्व किया जाएगा तो ये एक अप्रोप्रिएट मैनर है डाइजेक्स्ट्रा को सॉल्व करने का इसी अप्रोच के साथ एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं होप यू अंडरस्टैंड वट इज़ अ डाइजेक्स्ट्रा नेक्स्ट सेशन पर जाएंगे तो ट्रैवल सेल्स मैन प्रॉब्बम देखेंगे वो भी एक शॉर्टेस्ट सब टॉपिक है तो होप यू एन अंडरस्टैंड एवरीथिंग फिर भी कोई सवाल है कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो कमेंट सेशन पर जरूर पूछें कोशिश करूंगा इस हवाले से बर्फ जवाब दे सकूँ वीडियो चलिए तो लाइक करें ज्यादा लोगों को शेयर करो इसी तरह से जुड़े नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं सीधे